मेरी बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ क्यों हंगामा करने आ गए हो? सारे मोहल्ले वाले सुन रहे होंगे, जाओ यहाँ से। हिसार आ गया तो एक कोई नया मसला बन जाएगा। तो क्या कर लेगा सासा दादा हिसार? मुझे मारेगा ना, आके मार ले आके ताईजान, लेकिन मैं आज अपनी बीवी से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। आहिस्ता बोलो, अहमर अंदर बैठा है। तू पूछे अहमर भाई से क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये ज्यादती, क्यों कर रहे हैं जुल्म? मेरे बाप से झगड़ा है ना, तो झगड़ो जाके मेरे बाप से। ताईजान प्लीज मेरे हाथ देखे, मुझे मुझे मेरी बीवी से मिलने दे, मैं अनाया से मिले बगैर आज नहीं जाऊंगा। वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते चले जाओ। जाओ जाओ बाहर जाकर देखो, जासिम चिल्ला रहा है। जो तुम चाहती हो बता दो उसे, तसल्ली कर दो उसकी, जाओ। वो मेरी बीवी है, मैं जानता हूँ उसे, वो मुझसे मिलना चाहती है, बात करना चाहती है। आपको नहीं पता, मुझे 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 बात करनी दे उसे बस। एक मैं तुम्हें कह रही हूँ, जाओ यहाँ से। अनाया अनाया अनाया, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? यहाँ क्यों आए हो जासिम? क्यों आए हो क्या मतलब है अनाया? तुमसे मिलने आए हो, बात करने आए तुमसे, और वो रहे वो नोटिस हुआ, ये सब क्या है अनाया? वही है जो तुमने किया था अखबा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे गुलाम चाहिए। अनाया क्या कैसी बात कह रही हो? ये ऐसा ऐसा नहीं है, ये तुम हो ही नहीं सकती अनाया, ये तुम कह ही नहीं सकती। चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। जाओ जाओ चले जाओ। ठीक है, आखिरी बार देख लो मुझे, सब दिखाई नहीं दूंगा। देख ली, अब जाओ। ये आंख जो भर आई है तन्हाई सी, तन्हाई है तू जो नहीं तो अब क्या मेरा, एक दिल ही था जो लुट गया गहरे हुए रातों के साए, कोई नहीं जिससे कि मैं ये बोल दूं, अजनबी लम्हा तेरा तेरे बिना अब क्या मेरा, चाहत मेरी हिस्सा दिल कैसे कहूँ मैं किसा आए तू, एक अजनबी लम्हा हूँ मैं तेरे बिना अब क्या हूँ मैं। सच पूछे तो अहमर, मुझे जासिम शुरू से पसंद ही नहीं था, लाओबाली केयरलेस, बल्कि चचा की फैमिली से मुझे कोई भी फर्क शुरू से अच्छा नहीं लगता था, और मैं तो चाहती नहीं थी कि अनाया का रिश्ता उस फैमिली में हो। मगर अब जो ये सब कुछ हो रहा है ना, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्यों, ऐसा क्या गलत हो रहा है? मुझे नहीं मालूम क्या गलत है और क्या सही, लेकिन मैं बहुत खौफजदा हो गई। आपको तो अनाया बहुत अजीज थी ना? अभी है, हम भाइयों के दिल का टुकड़ा है वो, पर क्या अनाया तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। तो फिर इतना सब कुछ इसका मतलब? मतलब ये कि औकात अपनी इज्जत बचाने के लिए
अपनी अजीज तरीन शह कुर्बान करनी पड़ती है। चचा ने हरकत ही ऐसी की है।